हाय दोस्तों, आज हम साथ मिलकर एक मजेदार सफर पर निकलेंगे, इतिहास के एक अनसुलझे रहस्य की खोज में। जी हाँ, आज बात करेंगे दुनिया की सबसे लंबी दीवार, चीन की महान दीवार के बारे में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये दीवार बनी ही क्यों। 7वीं सदी ईसा पूर्वी से लेकर 17वीं सदी तक इस दीवार ने चीन को दुश्मनों के हमलों से बचाया। लेकिन सोचो तो, ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक मजबूत किला था, वो भी वक्त के साथ बदलता गया। पहले मिट्टी और लकड़ी काम में आती थी और बाद में ईंट और पत्थर। दीवार का हर हिस्सा अपने आप में एक छोटा सा किला था, जहां सैनिक रहते थे, हथियार रखे जाते थे और पहरा दिया जाता था। अब एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं इस दीवार को बनाने में लाखों लोगों ने अपना पसीना बहाया? इनमें सैनिक, किसान, कैदी और आम लोग भी शामिल थे। कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में कई लोगों की जान भी गई और उनकी रूहें आज भी इस दीवार के आसपास भटकती हैं। लेकिन ये दीवार सिर्फ लड़ाई और सुरक्षा की निशानी नहीं है, ये चीन की संस्कृति, उनकी मेहनत और उनके एक होने का भी प्रतीक है। आज ये दीवार दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचती है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी चीन की महान दीवार की दास्तान। इस दीवार ने न सिर्फ चीन को दुश्मनों से बचाया बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत भी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस इतिहास के बारे में सुनना चाहेंगे। और अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए पन्ने के साथ।